नरेंद्र सक्सेना। निकाय चुनाव को लेकर मैंने जो है टिकट मांगा भाजपा से चुनाव चेयरमैनी के लिए रामपुर नगर पालिका से। क्या उम्मीद है? टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ूंगा। क्या मुद्दे? पेंशनर एसोसिएशन मेरे साथ है। क्या मुद्दे हैं? 18,000 पेंशनर्स हमारा है रामपुर जिले में, जिसमें से 8,000 जो है वो देहात में है, 10,000 पेंशनर जो हमारा जिले के अंदर है, और 10,000 परिवारों में से अगर 4-4 वोट भी मुझे मिले तो 40,000 मेरा वोट होगी। शहर की सफाई व्यवस्था कैसी है? शहर की सफाई व्यवस्था और विकास के नाम में देखिए, मैंने लोक निर्माण विभाग में 41 साल सेवा की है, और मैं विकास के नाम में मुझसे बढ़ के कोई भी जितने दावेदार हैं मुझसे आगे कोई नहीं जाएगा। मौजूदा चर्च पर्सन का कार्य आपको सबको पता है, कितनी सफाई हो रही है वो आप देखिए, विकास कितना हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलवाला है जबरदस्त, सफाई की बुरा हालत शहर के अंदर, सरकारी मशीनें जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके सफाई कर रही हैं, फातिमा जबी हैं। नहीं, कार्य जो किया वो सब पूरा, आप तो यहाँ के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको ये बात पूछनी पड़ रही है, आप तो गली गली देख रहे हो, मोहल्ला मोहल्ला देख रहे हो कितने काम उन्होंने किए। आप मैं जनता मौका देगी, पर योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्य करूंगा, योजनाबद्ध तरीके से। हालत इतनी बुरी है कि कभी पाइपलाइन के लिए लाइनें सड़कें खोज रही हैं, कभी बिजली के तार के लिए लाइनें खोज रही हैं, कभी गैस पाइपलाइन के लिए खोज रही हैं, चरणबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करूंगा। बीजेपी में तो मैं अभी 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुआ हूँ इसी साल विभाग से, और अब जो है मैं क्या नाम है बीजेपी की सेवा में लगा हुआ हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी उसका चुनाव लड़ाएंगे। और आपको? पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी का निर्णय होगा उसका पालन करूंगा। मैं दावेदार की मैं तो अभी तक तो अपने आप को सबसे ऊपर मान के चल रहा हूँ, विकास मुझसे बढ़िया कोई नहीं करेगा, कितने भी दावेदार आ जाएं। अगर ठीक है? नहीं क्या? नहीं, पार्टी के सिंबल मिलेगा तो लड़ूंगा, पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा।